लोग कहते हैं कि हम अपने पार्टनर को तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन हमारा जो पार्टनर है वो हमें प्यार नहीं करता है, इग्नोर करता है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जी हम जिए या मर जाए। तो ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है कि रिलेशन का जब स्टार्टिंग होता है तब उन चीज़ों में हमने चीज़ों को बैलेंस नहीं रखा होता है, हमने सही से ध्यान नहीं दिया होता, सिर्फ अंधाधुन प्यार करते हो, जब प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता तो रोते हैं, उनसे फरियाद करते हैं, लड़ते हैं और ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। देखो, अगर तुम स्टार्टिंग में ध्यान रखो ना तो तुम अपने पार्टनर को तुम्हारे बिना अपाइस बना सकते हो, इस तरह से अपाइस बना सकते हो कि तुम्हारे बिना उसकी लाइफ में कुछ ये होए ना, उसको हंसने के लिए, उसको लाइफ जीने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो टोटली अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर डिपेंड होते, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन वैसा आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? उन लोगों ने तो जाने अनजाने में ये चीज़ की होती, उनका कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे रिलेशन को ऑब्जर्व किया है कि साला ऐसे कैसे होता है कि लोग इतने अपाइस हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, अगर जो उनका सामने वाला पार्टनर है उनकी स्ट्रेटजी को, उनके एक्शंस को अगर आप ट्रैक करोगे तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा ना वो आपको सुनने को और सीखने को मिलेगा। एंड एग्जैक्टली एक लड़की ने अनजाने में मेरे साथ ऐसा किया था एंड मैं उनके ऊपर डिपेंड हो गया था। 2013 की बात थी जब मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे, रिलेशन के बारे में ना पता नहीं है। एंड ये भी एक रीज़न है कि इसके बाद मैंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया कि ये साला लोचा क्या है। तो मैंने खुद का, उस लड़की का माइंडसेट और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जिसका निचोड़ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर तुम स्टार्ट करो बहुत अच्छा है, यही तरीका आजमाना। अगर चीज़ें बिगड़ गई है तो भी डोंट वरी, थोड़ा सा तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें तुम बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी होगी ना, उनकी लाइफ का सबसे अमेजिंग पर्सन बनना है तुम्हें, उसकी लाइफ की तुम्हें ज़रूरत बन जानी, उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला, उसकी लाइफ में सबसे अच्छा और बेस्ट पर्सन तुम्हें बनना है। ये तुम कैसे बनोगे, ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी जरूरी। अगर आप मेरे वीडियो देखते होगे तो मैंने हमेशा मना किया कि चीज़ों को बैलेंस में रखो। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको कि उनकी लाइफ में उस हिसाब से बन जाना है जैसे उनको लगे कि यार इंसान सिर्फ़ से मेरे बारे में सोचता है, ठीक है, ये खुद के बारे में भी नहीं सोचता। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों के बारे में मना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों ज़रूरी? क्योंकि हम उनको अपाइस बनाना चाहते हैं ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि दो बच्चों का एक ही दिन पे जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है उसी दिन पे उसकी माँ है उसकी डेथ हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता कि माँ क्या होता है, वो धीरे धीरे अकेला बड़ा होता है। एंड जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, वो अपनी माँ के साथ बड़ा होता है, दोनों 10 साल के हो गए, ठीक है। अब ये बच्चा 10 साल का है, वो बच्चा भी 10 साल का, लेकिन वो माँ के बिना अपने आप पढ़ते छड़ते ऐसे ही खुद को संभालते हुए बड़ा है, दूसरा बच्चा अपने माँ के सहारे बड़ा है, इसको माँ का प्यार, सुरक्षा, एडवाइस सब कुछ मिला जो एक माँ का प्यार एक बेटे को मिलता, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन जो 10 साल के बच्चे को माँ की ज़रूरत होगी ना, वो सबसे ज़्यादा किस बच्चे को होगी पता है आपको? जिसने 10 साल अपनी माँ के साथ गुजारे। 10 साल के बाद उस लड़के की माँ चली जाएगा तो लड़का बहुत ज़्यादा पैनिक फील करेगा अपने लिए। लेकिन जो 10 साल का ऑलरेडी बिना माँ के सहारे बड़ा हुआ ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ना माँ के ऊपर डिपेंड नहीं था कभी भी, उसने ये सारी चीज़ें फील नहीं की। लेकिन इस लड़के ने सिर्फ माँ के पल्लू के नीचे ही अपने 10 साल गुजारे, तो माँ के बिना रहना 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि माँ का प्यार क्या होता है, माँ 10 साल तक उसको कैसे पालती, कैसे बड़ा करती है। इसमें आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी होती वो ये करनी होती कि सब कुछ भूल जाओ, तुम सब कुछ भूल जाओ, बहुत ही ज़्यादा उनको ये फील करवाओ कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके बारे में सोचते हो और उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। जो भी पॉसिबल होती है, जिन चीज़ से उनको खुशी मिलती है, उनको डेडिकेट होकर आप 2-3 महीने ऐसे ही निकाल दो। ये चीज़ होती है किन लोगों के लिए? जिनका नया रिलेशनशिप होता है, लेकिन जिनका पुराना वाला रिलेशनशिप होता है, जिनका प्रॉब्लम अभी चल रहा है, उन लोगों के लिए ये 4 से 6 महीने तक लगेगा। यहाँ पर एक बार भी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हें वैल्यू नहीं देते, यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल ही भूलनी होगी। क्योंकि उनके माइंड में ना ये बात बैठ जानी चाहिए कि आपका वो माँ वाला प्यार है ना, वो प्यार।
ऐसा तो ज़्यादातर लोग करते हैं, ऐसा तो ऑलमोस्ट लोग करते हैं, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो यहाँ से है। ऑलमोस्ट लोग, सारे लोग यहाँ तक तो चीज़ें करते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है, जो लोग नहीं करते और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तुम्हें लगे ना कि यह पर्सन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मुझ के ऊपर डिपेंड हो गया है, उनको खुद को पता नहीं होता कि मेरी लाइफ की ये चीज़ें ये पर्सन देखता है, ठीक है, ये चीज़ों के ऊपर इनका ही हाथ होता है, एकदम से उनकी लाइफ में आप उस हिसाब से इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। यहाँ तक जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, आप उनकी लाइफ में बहुत प्योरली घुस सको, तब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना उनकी लाइफ से हट जाना है। हट जाने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना उसकी पर्सनल लाइफ में। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इग्नोर करना है, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के साथ आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना अपनी पर्सनल चीज़ों में ध्यान देना स्टार्ट करें, उनके बिना भी थोड़ा खुश रहना स्टार्ट करें। अब उनको एक आपकी हैबिट पड़ी है, आपके बिना और आप ही से सारी चीज़ें होती है, तो उनको आपकी आदत लग जाएगी। एंड जब आप उनके ऊपर फोकस नहीं करो और अपनी पर्सनल चीज़ों में करते हो ना, तब वो इंसान टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तब आपको क्या करना है कि उनके साथ फिर से धीरे धीरे एंगेज रहना है। अब उन चीज़ों को आपको बैलेंस में रखनी है, क्योंकि उस इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। एक उनको ऐसी आदत लग गई, एक इतनी बड़ी लत लग गई कि इन चीज़ों के बिना, आपके बिना वो चीज़ें एज्यूम करना ही भूल जाते हैं। इसलिए आपको उतनी लेवल तक, उस हाइट तक लेकर फिर उनको थोड़ा सा बैलेंस कर देना, इग्नोर नहीं करना, लेकिन जो पहले चीज़ें करते उससे कम कर देना और वो टाइम, वो एनर्जी अपनी पर्सनल चीज़ों में लगानी। लेकिन पहले आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है यहाँ पे। एक चीज़ और है कि अगर आप मेरी किसी और वीडियो की मेथड को फॉलो कर रहे हो, तो इस मेथड को इसमें ऐड मत करना। स्टार्ट से लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें फॉलो करते हो, तो टोटली आपका पार्टनर आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके सारे यूजफुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।